हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और वेलकम टू माय चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि हाउ कैन वी सॉल्व द नंबर ऑफ जीनोटाइप फ्रॉम एनी गिवन कंडीशन, आइदर इट इज मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड। तो जैसा कि मैं अपने लास्ट वीडियो मैंने आपको सिखाया था कि आप कैसे किसी भी पेरेंटल क्रॉस या किसी भी पेरेंटल जीनोटाइप से आप जो है नंबर ऑफ फेनोटाइप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ जीनोटाइप फ्रॉम एनी गिवन कंडीशन। ओके, तो क्या होता है कि इसके लिए आपको जो फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा इस केस में, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने नंबर ऑफ फिनोटाइप और नंबर ऑफ गैमेट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते थे वो 2n यूज करते थे, जिसमें एन इक्वल टू हेटरोजाइगस जीन पेयर होता था। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे तो फॉर्मूले में, और उसके बाद जो नंबर ऑफ जीनोटाइप है उसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो अगर सपोज आपको, सबसे पहले हम देखते हैं मोनोहाइब्रिड कंडीशन में। ओके, मोनोहाइब्रिड कंडीशन जहाँ पे सिर्फ एक जीन पेयर होगा, ठीक है। अगर सपोज हम लोग बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इसका क्रॉस कराए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए कि इसमें जो नंबर ऑफ जीनोटाइप है वो कितना होगा, ठीक है। तो उसके लिए बस आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या है? तो नंबर ऑफ जीनोटाइप इज इक्वल टू 3n। ओके, जैसा कि हम लोग फिनोटाइप कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते थे, 2n, लेकिन इस केस में आपको जीनोटाइप यूज करना है या जीनोटाइप कैलकुलेट करना है तो उसमें आपको क्या फॉर्मूला यूज करता है, 3n, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेम हेटरोजाइगस जीन पेयर। ओके, क्या हो गया, हेटरोजाइगस जीन पेयर। n इक्वल टू क्या हो गया, हेटरोजाइगस जीन पेयर, जैसा कि नंबर ऑफ फिनोटाइप कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग यूज करते थे। और वहीं अगर हम बात करें गैमेट्स कैलकुलेट करने के लिए भी हम लोग जो n इक्वल टू हेटरोजाइगस जीन पेयर, इसी का यूज करके हम लोग सारा कैलकुलेशन करते थे, ठीक है। तो इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, सेम जो n है उसका यूज करेंगे। तो n इक्वल टू क्या हो गया, हेटरोजाइगस जीन पेयर। तो इसमें देखिए, इस मोनोहाइब्रिड कंडीशन में कितना है, 1 pair है, ठीक है। यानी कि जो हेटरोजाइगस जीन पेयर है वो कितना है, 1। तो डायरेक्टली बस आपको वैल्यू पुट कर देना है। तो 3n था तो 3n क्या होगा, 1, तो इट विल बी इक्वल टू 3। यानी कि अगर आप इसका क्रॉस करते हैं तो आपको जो F2 जनरेशन में जो प्लांट्स मिलेंगे उसका, उसमें कितने जीनोटाइप होंगे, 3 जीनोटाइप, ठीक है। अब इस सब लोग प्रूफ भी कर लेते हैं कि अब देख लेते हैं, जैसे कि मैंने ये नंबर ऑफ जीनोटाइप जो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्या फॉर्मूला सही है कि नहीं। तो इसे प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग मोनोहाइब्रिड कंडीशन लेंगे। सपोज हम लोग ने क्या लिया, कैपिटल टी, ठीक है, इसको क्रॉस कराए स्मॉल टी, ठीक है। तो इसमें कितना गैमेट आएगा, 1 गैमेट, इससे कितना गैमेट आएगा, 1 गैमेट। तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी F1 जनरेशन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, F2 जनरेशन में देखेंगे कौन से प्लांट्स हैं, उनका जीनोटाइप क्या क्या होगा, वेदर जो जीनोटाइप है वो 3 होंगे या उससे कम होंगे या ज्यादा होंगे, इसे हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसकी सेल्फिंग कर देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, बस सिंपल सा है, बस सेल्फिंग कर दिया, जैसे कि हमने और भी वीडियोज में किया था, इसमें वैसे कर रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो F2 जनरेशन में आपको क्या मिले, ये 4 प्लांट्स मिले, ठीक है। तो F2 जनरेशन में आपको 4 प्लांट्स मिलेंगे और उनका जीनोटाइप क्या है, एक का है कैपिटल टी, एक का कैपिटल टी स्मॉल टी, देन कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जीनोटाइप आपको कैलकुलेट करना है, नंबर की हाउ मैनी नंबर ऑफ जीनोटाइप आर प्रेजेंट, ओके, इफ वी टेक दिस पेरेंटल क्रॉस, ओके। तो इसमें क्या हो गया, अगर हम लोग फिनोटाइप की बात करें, जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, अगर फिनोटाइप देखिए तो इसमें 2 टाइप के प्लांट्स होंगे, ठीक है, एक टॉल होगा एक ड्वार्फ होगा। अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 टाइप के प्लांट्स होंगे, ये भी टॉल होगा, ये ड्वार्फ होगा, क्योंकि इसमें जो कैपिटल टी एलील है वो डोमिनेंट है, इसलिए टॉल होगा। कैपिटल टी ये भी डोमिनेंट है, इसमें भी टॉल होगा, और जो थर्ड केस में भी टॉल होगा, ठीक है। और जो स्मॉल टी ये रिसेसिव एलील है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो प्लांट होगा वो ड्वार्फ होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो अगर फिनोटाइपिकली पूछा जाता तो आप बता देते कि इसका जो नंबर फिनोटाइप है वो 2 है, यानी कि एक जो प्लांट्स है आइदर वो टॉल होंगे
और वो डॉल्फ होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ जीनोटाइप बताइए आप, ठीक है। आप देखिए, आप चार प्लांट आए, ठीक है, सपोज आपको चार प्लांट मिले, एक ये प्लांट आपको मिल गया, एक ये प्लांट मिल गया, एक ये प्लांट मिल गया और एक ये प्लांट मिल गया, ठीक है। तो आपको F2 जनरेशन में कितने मिले? चार प्लांट मिले। लेकिन इसमें से देखिए, जो तीन प्लांट है, ये चारों प्लांट जो हैं, उनमें जो क्या है, जीनोटाइप जो है वो अलग अलग है, ठीक है, समझ रहे हैं आप। देखिए, पहले का क्या हो गया, कैपिटल टी कैपिटल टी, दूसरे का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरे का क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और चौथे का क्या है, स्मॉल टी, ठीक है। तो आपको चार प्लांट्स मिले, जिनमें से जो पहला प्लांट था उसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी यानी इसमें दोनों एलील जो है वो डोमिनेंट है। जो दूसरा और तीसरा प्लांट मिला, इसमें देखिए, इसमें आपको क्या मिलेगा, जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये जो दो प्लांट होंगे उनमें जो एलील्स है वो सेम है, यानी कि उसमें जो जीनोटाइप है वो सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और जो एक ड्वार्फ वाला प्लांट मिला, इसमें जो जीनोटाइप क्या है वो स्मॉल टी, ठीक है। तो अब देखिए, तो आपको जो जीनोटाइप का रेशियो क्या मिलेगा, 1, क्योंकि इसमें दोनों एलील डोमिनेंट है। इसमें देखिए, दोनों का जीनोटाइप सेम है, तो इट विल बी इज टू 2, ओके। देन इसमें क्या है, दोनों में जो एलील्स है वो रिसेसिव है, तो इज टू 1, ओके। तो आपको इसमें जो जीनोटाइप रेशियो क्या मिला, 1:2:1, ठीक है। अब आपने कैलकुलेट किया था एन स्क्वायर फैक्टर जाएगा जीन पेयर करके 3n से, तो आपको कितने मिले, 3 नंबर ऑफ जीनोटाइप, कितना मिला, 3, और यहां पर भी आपको कितना मिला, नंबर ऑफ जीनोटाइप 3, यानी कि इसमें तीन टाइप के जो प्लांट्स होंगे वो प्रेजेंट हो गया, उनका जीनोटाइप सेपरेट होगा, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया कि ये जो फॉर्मूला है नंबर जीनोटाइप का, जो हम लोग 3n यूज कर रहे हैं, इट इज करेक्ट, ओके। तो ये हो गया मोनोहाइब्रिड कंडीशन में। अब हम बात करते हैं डाईहाइब्रिड कंडीशन में, ठीक है, डाईहाइब्रिड कंडीशन में। तो डाईहाइब्रिड कंडीशन में क्या होगा, हम लोग दो पेयर लेंगे और उनका क्रॉस करा देंगे, तो आपने हम लोग ने क्या लिया। अब हम बात करते हैं डाईहाइब्रिड कंडीशन की, ठीक है। तो डाईहाइब्रिड कंडीशन मतलब क्या है, इसमें हम लोग दो कैरेक्टर लेंगे, यानी दो जीन पेयर्स लेंगे, ठीक है। तो सपोज अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैपिटल r कैपिटल y, ठीक है, ये आपको इसका क्रॉस आप करा रहे हैं, कैपिटल r कैपिटल y। आप पूछ लिया जाए कि इस डाईहाइब्रिड क्रॉस में आप बताइए कि जो नंबर ऑफ जीनोटाइप है वो कितना है, तो यहाँ पर भी आप सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले n कैलकुलेट करेंगे, तो हेटेरोजाइगस जीन पेयर कितने हो गए, हेटेरोजाइगस जीन पेयर्स इज इक्वल टू 1, 2, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, 2, ठीक है। अब आप फॉर्मूला लगा लेंगे, नंबर ऑफ जीनोटाइप इज इक्वल टू 3n, ठीक है। तो 3 क्या होगी यहाँ पे, 2, तो 3 × 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो आपको अगर आप ये क्रॉस कराते हैं, ये पैरेंट कैरेक्टर लेके ये क्रॉस कराते हैं, तो आपको जो जीनोटाइप मिलेंगे F2 जनरेशन में वो कितने होंगे, 9, ठीक है। तो अगर आपको ये पेरेंटल जीनोटाइप दे दिया गया और पूछ ले जाए कि कैलकुलेट करिए आप नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका जो नंबर ऑफ जीनोटाइप आएगा वो 9 आएगा। अब वही बात आती है, इसे प्रूव करके देखते हैं कि वेदर दिस फॉर्मूला इज आल्सो वर्किंग इन केस ऑफ डाईहाइब्रिड कंडीशन और नॉट, ठीक है। तो इसका भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, इसे क्रॉस कराते हैं, स्मॉल R स्मॉल Y स्मॉल Y, बहुत सिंपल है। तो हमें F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, कैपिटल R स्मॉल R कैपिटल Y स्मॉल Y, तो F1 जनरेशन में हमें ये मिले। अब हम इसके गैमेट्स बना लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, चलिए देख लेते हैं, एक तो कैपिटल R कैपिटल Y मिलेगा, एक कैपिटल R स्मॉल Y, एक स्मॉल R कैपिटल Y,
और दूसरा स्मॉल आर स्मॉल वाई। बहुत सिंपल है, आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ, फिर से इसी को आप लिख लीजिए सेम, ठीक है। आप पुन्नेट स्क्वायर कर दीजिए इसका, बहुत सिंपल, आप लोग को इसमें माहिर हो गए होंगे अब तो, एक्सपर्ट पूरे, पता नहीं आप लोगों ने कितना सारा कर चुके होंगे ऑलरेडी। चलिए ये लिख लेते एक बार अब, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके, देन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो आपने इसका पुन्नेट स्क्वायर कर लिया, ठीक है। अब आपको इसमें कैलकुलेट करना था नंबर ऑफ जीनोटाइप, जो कि आपने जब फॉर्मूला यूज़ किया तो उससे 9 आए। अब हम लोग इस पुन्नेट स्क्वायर से देख कन्फर्म कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ करके जो 9 जीनोटाइप हम लोगों को मिले हैं वो क्या सच में 9 ही हैं। तो चलिए ये भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं प्लांट्स को विद जीनोटाइप, ठीक है। तो सबसे पहले कैपिटल आर, या मैं इसे नीचे और लिखता हूँ तब सही रहेगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए सबसे पहले कैपिटल आर कैपिटल वाई फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाल कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नहीं स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो आपको ये जीनोटाइप मिला, यानी कि इसमें आपको जो 9 प्लांट्स मिले उनका जो जीनोटाइप है वो ये है। अब ये देख लेते हैं जो इसमें कितने प्लांट्स हैं उनका जीनोटाइप क्या क्या है, ठीक है, यानी कि जो प्लांट्स हैं उसमें जो उनका जीनोटाइप क्या क्या है। तो सबसे पहले ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई ये कितने हैं, ठीक है। तो ये कितने प्लांट है देखिए, ये आपको सिर्फ एक मिलेगा, सॉरी देखिए ये सिर्फ आपको एक मिल रहा है, तो ये क्या हो गया 1, अंडरस्टूड, ओके। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई आपको कितने मिले, 1 मिले, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई की, इसकी तो ये कितना मिला 1, एक तो यहाँ पे है कैपिटल आर कैपिटल वाई और एक यहाँ पे है, तो आपको ये कितने मिले, 2 मिले, ठीक है। कितने मिले आपको, 2 मिले। अब आपको कैपिटल आर स्मॉल वाई ये कितने हैं, ये देखिए आपको सिर्फ एक ही है, तो ये क्या हो गया 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ठीक है, ये आपको कितने मिलेंगे, 1, 2, 3 कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई ये आपको कितने मिलेंगे, देखिए कहीं आपको मिल रहा है कैपिटल आर स्मॉल आर करके, ये है, तो ये भी आपको 2 मिलेंगे, कितने मिल गए, 2 मिल गए, ठीक है। अब आपको क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई ये देखना है, तो ये कितने हैं, 1, 2 देन इट इज 3 इट इज 4, तो आपको ये कितने प्लांट्स मिल गए, 4, ठीक है, कितने मिल गए, 4।
ठीक है। अब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ये के देखने तो ये एक मिला, देन दो, तो आपको ये कितने मिले, ये टू मिले, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये प्लांट, ये कितना मिला आपको, एक मिला, ठीक है। नेक्स्ट स्मॉल आर कैपिटल वाई ये कितने आपको मिलेंगे, एक ये प्लांट मिलेगा, एक ये प्लांट मिलेगा, तो इसका क्या रेशियो आएगा, ये टू प्लांट्स आपको मिलेंगे। फिर आपको जो लास्ट है स्मॉल आर स्मॉल वाई वो कितने मिलेंगे, एक मिलेगा, तो ये आपको कितना मिला, वन, ठीक है। तो आपको नौ टाइप के फेनोटाइप मिले, ठीक है। फेनोटाइप कितने मिले, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हम लोग ने क्या देखा कि आपको जो है ये डिफरेंट टाइप के नाइन जीनोटाइप मिले, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने मिले आपको, नाइन, देखो ठीक है, कितने मिले, नाइन मिले। तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो आपने जब इसका पुनेट स्क्वायर किया तो आपको कितने टाइप के जीनोटाइप मिले, नाइन टाइप के जीनोटाइप मिले, यानी कि आपको नाइन टाइप के प्लांट्स मिले। अगर हम बात करें सिंगल सिंगल जीनोटाइप का, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई इसका जो है सिर्फ एक ही प्लांट होगा इस जीनोटाइप का। वहीं अगर बात करें कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इस जीनोटाइप के दो प्लांट्स मिलेंगे आपको इस पुनेट स्क्वायर में, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो इस टाइप का जो प्लांट होगा इसके बाद ये जीनोटाइप होगा ये वाला, वो सिर्फ एक होगा, ठीक है। अगर हम बात करें चौथा का, तो फोर्थ में क्या है, कैपिटल आई स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो इस टाइप के जो प्लांट्स होंगे एफ टू जनरेशन में वो टू होंगे, ठीक है। देन कैपिटल आई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगर हम इस जीनोटाइप के प्लांट्स की बात करें तो वो कितने होंगे, फोर, ठीक है। देन कैपिटल आर स्मॉल वाई इस जीनोटाइप की प्लांट्स की बात करें तो वो टू होंगे। सिमिलरली स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई तो वन होंगे। देन स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो इसके टू होंगे। स्मॉल वाई इसके वन प्लांट होंगे, ठीक है। तो टोटल आपको कितने प्लांट्स मिले इसमें, वन टू थ्री फोर, फोर है 16, टोटल आपको 16 प्लांट्स मिलेंगे। और उनमें से क्या होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप होगा वो आपको सिर्फ 9 मिलेगा, ठीक है। तो 9 जीनोटाइप मिलेंगे। तो हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था, नंबर ऑफ जीनोटाइप इक्वल टू 3 की पावर n, ओके। तो n इक्वल टू क्या था, हेटेरोजाइगस जीन पेयर, तो हमने डायरेक्टली इसमें 2 था, एक ये जीन पेयर हो गया, एक ये जीन पेयर हो गया, तो 3 की पावर 2 कर दिया तो 9। तो जब हमने फॉर्मूला यूज किया तब भी आपको कितने प्लांट्स मिले, तब कितना नंबर ऑफ जीनोटाइप मिला, 9। और जब आपने पुन्नेट स्क्वायर की हेल्प से कंफर्म किया कि वेदर दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर डाइहाइब्रिड कंडीशन और नॉट, देन व्हाट यू सीन दैट द नंबर ऑफ जीनोटाइप व्हाट यू गेट विद यूजिंग द पुन्नेट स्क्वायर इज आल्सो द सेम, दैट इज 9, ओके। तो ये 9 टाइप के जीनोटाइप मिलेंगे। अगर आप इसे कंफर्म करना चाहते हैं तो आप पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करिए जैसे मैंने किया, और आप देखेंगे कि जो एफ टू जनरेशन में प्लांट्स होंगे उनमें से जो नंबर ऑफ जीनोटाइप होगा वो 9 होगा, ठीक है। हालांकि जो प्लांट्स होंगे वो टोटल 16 होंगे, लेकिन उनमें से उन 16 में से जो नंबर ऑफ जीनोटाइप होगा, यानी कि उन प्लांट्स में जो जीनोटाइप प्रेजेंट होगा वो सिर्फ 9 होगा। तो इस पुनेट स्क्वायर से हमने कंफर्म कर लिया कि ये फॉर्मूला जो है इट इज आल्सो वैलिड फॉर डाइहाइब्रिड कंडीशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और कंडीशन, नए पॉलीहाइब्रिड कंडीशन लेके देखते हैं। तो ये तो डाइहाइब्रिड कंडीशन तक का हो गया, बहुत इजी, अब आपको समझ में आ गया होगा। ये क्रॉस मैंने इसलिए करके दिखाया ताकि आप लोग को कंफर्म हो जाए कि ये जो फॉर्मूला है ये करेक्ट है, ठीक है। ताकि अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप बस फॉर्मूला यूज करिए और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ क्या होगा कि आप जो है अपना टाइम है उसे बचा सकते हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है नंबर ऑफ जीनोटाइप फाइंड आउट करना। आप लोग को तो अब इसमें बहुत अच्छे से आपको आ गया होगा अगर, ठीक है। तो अब हम एक और कंडीशन लेते हैं, ट्राई हाइब्रिड कंडीशन, ठीक है। ट्राई हाइब्रिड कंडीशन आप फटाफट करेंगे, अब हम लोग क्रॉस नहीं बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑटोमेटिकली हम लोगों ने कंफर्म कर लिया मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड कंडीशन लेके कि ये जो फॉर्मूला इट इज राइट, ठीक है। तो सपोज अगर आपको ये कंडीशन दे दी जाए, ओके, अब आपसे पूछा जाए किसमें बताइए नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली कैलकुलेट करिए, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप इज इक्वल टू 3 की पावर n, ठीक है। n स्क्वायर टू कितना है, देखिए कितना है, एक ये जीन पेयर हो गया, एक ये हो गया, एक ये, तो n की वैल्यू क्या हो गई, 3, ओके। तो 3 की पावर n यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 टोटल 27,
तो आपको नंबर जीनोटाइप है, अगर आपसे इस पेरेंटल क्रॉस में पूछ लिया जाए इस पेरेंटल जीनोटाइप में, तो आप डायरेक्टली फर्स्ट से 27 पे टिक कर दीजिए, ठीक है। चलिए और कंडीशन देख लेते हैं। चलिए अगर हम टेट्रा हाइब्रिड कंडीशन देख लेते हैं, टेट्रा हाइब्रिड कंडीशन, ठीक है। सपोज कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी इनटू कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी, ठीक है। इसमें अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोले, ठीक है, तब आप कैसे करेंगे? इसमें भी फिर वही जीन पेयर देखिए, हेटरोलाइगस जीन पेयर 1 2 3, ये कैपिटल डी है तो ये होमोलोगस हो गया, तो इसे क्रॉस कर दीजिए, ये भी क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल डी क्या है? ये होमोजाइगस जीन पेयर है, तो इसे हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप क्या हो जाएगा यहाँ पे? नंबर ऑफ जीनोटाइप इट विल बी इक्वल टू 3 की पावर n, तो n यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3, यानी n की पावर क्या होगी 3, तो 3 की पावर 3 इक्वल टू 3 × 3 × 3, तो यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ जीनोटाइप आएगा एफ टू जनरेशन में कितना आएगा 27, ठीक है। अंडरस्टूड? ऐसे ही आप और भी बहुत सारी कंडीशन ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ट्रैक्टर हाइब्रिड कंडीशन है कि 4 जीन पेयर तक हम लोगों ने किया है। अब आप चाहे 5 जीन पेयर भी ले सकते हैं, 6 जीन पेयर भी ले सकते हैं। अब उसमें अब आप क्या करिए, अब जितना हो सके मैक्सिमम आप अपने आप से जो पेरेंटल जीनोटाइप है उसे ड्रॉ करिए, उसे बनाइए, उसके बाद आप उसमें जो है नंबर ऑफ जीनोटाइप कैलकुलेट करिए। बहुत ही ईजी है, मैंने आपको बहुत ही ईजिली वे में बता दिया है कि आप कैसे भी जो है नंबर ऑफ जीनोटाइप को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप और भी डिफरेंट कंडीशन यूज कर सकते हैं, जहाँ पे आप 5 जीन पेयर का जो पेरेंटल जीनोटाइप वो भी ले सकते हैं और उसके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये कंफर्म करना है कि वेदर जो नंबर ऑफ जीनोटाइप आ रहा है अगर ट्राई हाइब्रिड कंडीशन है टट्टा हाइब्रिड कंडीशन में वो 27 है कि नहीं है, तो आप क्या करिए, सबसे जैसे मैंने अपना मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड कंडीशन में पुन्नेट स्क्वायर ड्रॉ किया था, तो आप भी क्या करिए इसमें पुन्नेट स्क्वायर ड्रॉ करिए और उससे कंफर्म करिए कि वेदर यू आर गेटिंग द राइट नंबर ऑफ जीनोटाइप और नॉट, ओके। तो आप इन दोनों कंडीशन के लिए जो पुन्नेट स्क्वायर है उसे ड्रॉ करिए और देखिए जो नंबर ऑफ जीनोटाइप जो हम लोग इस फॉर्मूला से पा रहे थे, वेदर दिस नंबर ऑफ जीनोटाइप इज करेक्ट और नॉट। तो आप इन दोनों कंडीशन पर ड्रॉ करिए और मुझे बताइए कि कमेंट सेक्शन में कि आपको जो नंबर ऑफ जीनोटाइप है व्हेन यू हैव यूज्ड पुन्नेट स्क्वायर देन यू आर गेटिंग द सेम नंबर ऑफ जीनोटाइप, ओके। तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। तो मेरा यही वीडियो जो है यहाँ पे अब खत्म होता है, तो हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक और जेनेटिक्स से रिलेटेड ट्रिक के बारे में, ठीक है। तो अब मैं अपना ये जो वीडियो है समाप्त करता हूँ, तो अब हम मिलते हैं हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।